मैं जल्दी कायरा से बात करता हूँ और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। वैसे मेरा नाम चंद्रचूर है। ओके चंद्रचूर, हाय हाय। क्या कर रहे हो कभी? अरे सॉरी सॉरी। अरे बाय बाय अभी जी, बाय दोस्त। अरे कबीर भाई कैसे हो? अरे कायरा, कायरा भाभी जी। यार ये जॉब मुझसे नहीं होगी। मैं जल्दी कायरा से बात करता हूँ और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। यार तो ये चाबी कहाँ रख दी मैंने? अगर ना बोलेगी ना और पैसे का हिसाब देगी तो मैं अपने लाइफ का इंश्योरेंस मैच्योर करके पैसे निकाल लूँगा। आपका बैग वहां पे गिरा था। थैंक यू मोस्ट वेलकम। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। आप यही रहते हो? जी जी यही रहता हूँ। मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ। आपके जस्ट घर के पीछे ही मेरा घर है। ओके इसी कॉलोनी में। ओके वैसे मेरा नाम चंद्रचूर है। ओके चंद्रचूर, हाय हाय। नाम याद रहेगा ना आपको? जी बिल्कुल चंद्रचूर। क्या कर रहे हो कभी? अरे सॉरी सॉरी। अरे तुम घर पर ही हो? शॉपिंग में जाने वाले थे, गई नहीं? वो क्या है ना, हमारे दोस्त कबीर थोड़ा टेंशन में। भाभी जी अभी उनका बैग भी वहाँ पे गिरा था, वो भी भूल के आए यहाँ पे। ये कौन है कबीर? चिकन पड़ोसी, छोड़ो ना। अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ यार और मैं आराम करूँगा, तुम जाकर आओ। आज ऑफिस में बहुत काम था सच में। ठीक है बाय, जल्दी आती हूँ। बाय बाय भाभी जी, बाय दोस्त, बाय। कुछ घर के काम है वो करके आता हूँ। नाम याद रखना चंद्रचूर। अरे कबीर भाई कैसे हो? बिजी होंगे तो कल शाम में आ जाना। हाँ कह रहा, हाँ मैं घर पर ही हूँ। क्या तुम घर के बाहर हो? क्या हुआ तुम्हें? यार कितनी बार बोला है तुमको ज्यादा डाइटिंग नहीं करने का। रुको मैं आ रहा हूँ। ओके। अरे कायरा, कायरा क्या हुआ तुमको? कायरा अरे कैसे कर गई तुम? कायरा, कायरा भाभी जी। अरे अरे क्या हो गया, गिर गई क्या? एक मिनट। अरे लगता है इनका बीपी लो है। अच्छा इन्होंने कुछ खाया नहीं था क्या सुबह से? पता नहीं यार। आप टेंशन मत लो, मेरे पेशेंट के डॉक्टर नाराज है, उनको फोन करता हूँ। चलो उनको अंदर ले चलो। आराम से ठीक है ना? टेंशन मत, मैं डॉक्टर नाराज को फोन करता हूँ, यही अपने सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है डॉक्टर को फोन कर रहे हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ डॉक्टर नागराज, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे आप घर पर ही हो ना? हाँ सुनो ना, यहाँ पे एक अपनी सोसाइटी में एक लेडी चक्कर आकर गिर गई है, आप प्लीज आ जाओ ना 5 मिनट में। अरे हाँ हाँ मेरे दोस्त ही है।
हाँ 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 प्लीज 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 आ जाओ, एड्रेस नोट कर लेना, बंगलो नंबर 2। हाँ हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। दोस्त आ रहे आ रहे। आज मैं अपने बच्चों के साथ गांव जा रहा था, रात को मेरी ट्रेन है। दोस्त पानी, ये लो पानी पियो। प्रॉपर खाना नहीं खाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। प्रॉपर खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। समझाता हूँ तुमको मैं यार, अच्छा मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, 2 दिन की है, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई, मैं आपको पे करता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, अब आपसे क्या फीस लेना, वैसे भी चंद्रचूड़ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस भाईचारा बना रहे। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ पैकिंग भी करनी है। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। बहुत अच्छे इंसान है, जब भी उनको मैं गार्डन में मिलता हूँ ना सुबह, तो उनको मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, और रिप्लाई में क्या बोलते पता है मुझे, सुप्रभात। बहुत अच्छे डॉक्टर है। और दोस्त अब मैडम को अकेले मत छोड़, कुछ दिन ना उनको कार में लेके जाओ, वो घर का शॉपिंग वॉपिंग जो भी है ना वो कार में ही करो आप। कार? कितने दिनों से कार बंद पड़ी हुई है, कितनी बार इनको बोला किसी मैकेनिक को दिखा देते हैं, पर टाइम ही नहीं निकल पा रहा है, पूरे दिन बस फोन में बिजी रहते हैं। हाँ हाँ मैं जल्दी टाइम निकाल कर कार को ठीक करवाऊंगा, थोड़ा दूर है ना अपने घर से, 2-3 घंटे लग जाते, और ऑफिस का इतना काम है उसमें और परेशान रहता हूँ मैं। अरे अरे दोस्त बस इतनी सी बात, अरे अपने कॉलोनी के जिगर भाई है ना, उनका बहुत बड़ा मैकेनिक का दुकान है यहाँ पे। अच्छा टेंशन मत लो, वो आएंगे कार को देखेंगे, रिपेयर भी कर देंगे। हाँ प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं निकलता हूँ, जिगर भाई को कॉल करता हूँ और वो आ जाएंगे। हाँ ध्यान रखना भाभी जी का, बाय बाय। थैंक यू, आज ही गाड़ी ठीक करवा लेना। इससे नहीं हो रही जॉब यार, अब सच में मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अपना खुद का डालने का है, बिजनेस करने का है भाई। हेलो जी। अरे कबीर भाई कैसे हो? अरे हाँ हाँ मेरे दोस्त ही है, बस भाईचारा बना रहे। मैं तो सोचता था यार कि मोबाइल फोन से अपने दूर के दोस्तों से बात करूंगा, उनसे संबंध बना के रखूंगा ताकि वक्त आने पर मेरे काम आ सके, लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हमें बात कर खुशी भी मिलती है, और काम भी एक्चुअली वही लोग आते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने आसपास के लोगों से बात करो, उनको जानो, क्योंकि रिश्तेदारों से ज़्यादा तो ये पड़ोसी काम आते हैं। सच कहा है किसी ने। सब देखा है सच छा पड़ोसी जैसा नहीं देखा है, साथ रहते पर नजर नहीं है आते हैं, अच्छे पड़ोसी ही हमेशा काम आते हैं। सुकून मिलता है रिश्तों।